सेवन बी जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, सेवन बी के पहले जो है हमने क्या एक नंबर तीन नंबर का क्वेश्चन कर लिया है, पांचवा भी किया है, दूसरा चौथा और छठवां आपका होमवर्क है। छठवां प्रश्न आपका होमवर्क है, करके आइएगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है, ठीक है। अब यहाँ पर भी बातचीत मत करिए, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, दो अंकों की एक संख्या, क्या दिया हुआ है, दो अंकों की एक संख्या। ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका आपको पता है कि माना, सबसे पहले माना इकाई का अंक वाई, दहाई का अंक बराबर एक्स, संख्या क्या हो जाएगी आपकी 10 × 8 x + y, ठीक है, ये हो गई आपकी संख्या, ठीक। यहाँ तक सबको पता है, यही करना। इसके बाद दिया है दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है, ठीक है। तो अंकों के अंतर की 21 गुनी संख्या जो है उतना अनुसार, पहली शर्त हम देख कर रहे हैं उसको आप बार बार पढ़ेंगे, संख्या अंकों के अंतर, ठीक है, अंकों के अंतर की 21 गुनी है, तो अंकों का अंतर क्या हो जाएगा x - y, ठीक है। अंकों के अंतर की 21 गुनी, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 21 गुना कर दिया, ठीक है। अंकों के अंतर घटा दिया का 21 गुना, यानी 21 का गुणा कर दिया, समझ में आया सबको। ये जब आप प्रश्न को बार बार पढ़ेंगे ना, तो अपने आप उसको आप समीकरण के रूप में व्यक्त कर पाएंगे और उससे आपको समीकरण प्राप्त होगा, हल करना है। अब इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 10x + y = 21x - 21y, एक्स एक्स एक तरफ, वाई वाई एक तरफ कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 10x - 21y + y, और यहाँ ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, +21y = 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 - 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस एक मिनट, 21 यक्स है यहाँ पर, वाई धोखे से लिख दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा -11x और 21 और एक क्या हो जाएगा 22y = 0, 11 कॉमन ले लीजिए, -11 कॉमन ले लिया आपने, क्या बचेगा x - y - 2y = 0, तो क्या हो जाएगा x - 2y = 0, तो x, हाँ बस ये समीकरण आपका प्राप्त हो गया x - 2y = 0, ये समीकरण नंबर एक हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आगे अब पढ़ते हैं, यदि संख्या से 36 घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या से 36 घटा दें तो संख्या क्या थी हमारी, फिर प्रश्नानुसार करिए, समीकरण एक प्राप्त हो गया, अब फिर प्रश्नानुसार करिए, संख्या से 36 घटा दें, संख्या क्या थी 10x + y, अब इसमें से दिया है 36 घटा दें तो, संख्या से 36 घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो बदल जाते हैं मतलब x की जगह y, y की जगह, तो 10y + x, समझ में आया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, संख्या से 36 घटा दे तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हल करिए, 10x यहाँ पे आएगा -x + y - 10y = यहाँ -36 से बदल जाएगा तो 36 हो जाएगा, 10x में से x गया 9x - 9y = 36, 9 कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा x - y = 36/9, 9 × 9 = 36, ठीक है, यहाँ पे 4 आया। अब यहाँ पर हमारे पास
बराबर जा, ये समीकरण नंबर दो प्राप्त हो गया। इन दोनों को हल करना है, x या z जैसे है बिल्कुल साइड्स करना है। हाँ एक मिनट, x तो समीकरण इसमें क्या करना होगा, समीकरण एक में दो को घटाएंगे, दो को घटाने पर बिल्कुल वही समीकरण आए हैं जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपके आए थे, पांचवे नंबर के क्वेश्चन में। तो घटाएंगे तो x माइनस टू वाई बराबर जीरो, एक्स माइनस वाई बराबर चार, ठीक है। अब यहाँ पर घटा रहे हैं, माइनस चिन्ह, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस वाई बराबर माइनस चार, वाई बराबर क्या हो गया चार। अभी यहाँ पर आपको एक मान प्राप्त हो गया वाई का, वाई बराबर चार। अब यहाँ पर वाई का मान किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, तो समीकरण दो में मान लीजिए हम रखते हैं, समीकरण दो में अभी लिख लीजिए या समझ लीजिए पहले, समीकरण दो में वाई का मान रखने पर, किसी भी समीकरण में रखिए एक पूछा है दो में, तो यहाँ पर x माइनस फोर बराबर फोर, तो x बराबर क्या हो गया फोर, फोर जुड़ जाएगा एट, तो x का मान क्या प्राप्त हो गया आपको एट, ठीक है। तो यहाँ x और y के मान प्राप्त हो गए हैं, तो संख्या क्या होगी, अतः संख्या, अतः संख्या, संख्या क्या हो जाएगी हमेशा जो ये हमने मानी थी टेन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर संख्या बराबर टेन एक्स की वैल्यू है आठ प्लस वाई की वैल्यू है चार, तो अस्सी प्लस चार यानी एट्टी फोर चौरासी आ जाएगा, ठीक है। आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा, अतः देखिए यह प्राप्त संख्या जो है चौरासी होगी, ठीक। चलिए सबको समझ में आ गया, ये प्रश्नावली खत्म हुई, नेक्स्ट प्रश्नावली करेंगे हम लोग।